विजयनगर स्थित जॉय स्कूल द्वारा बच्चों से ट्यूशन फीस ज्यादा वसूले जाने को लेकर स्टूडेंट यूनियन के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शन किया गया और बड़ी ट्यूशन फीस को वापस लेने प्रबंधन पर दबाव बनाया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पूरे प्रदेश में कोरोना संक्रमण काल के चलते स्कूल कॉलेज बंद है। शासन ने ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाई के लिए स्कूलों से कहा था और इसके लिए ट्यूशन फीस भी निर्धारित की गई थी। देखने में आ रहा है कि जॉय स्कूल प्रबंधन बच्चों से निर्धारित ट्यूशन फीस से ज्यादा वसूल रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अगर स्कूल प्रबंधन बढ़ी हुई ट्यूशन फीस वापस नहीं लेता है तो वे और उग्र प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे। संपूर्ण 2 साल से पूरे प्रदेश में स्कूल पूरी तरह बंद है और शासन के आदेश है कि आप सिर्फ विद्यार्थियों से ट्यूशन फीस ही चार्ज करेंगे और ट्यूशन फीस भी जो आप पहले चार्ज करते आ रहे थे वो ही ली जाएगी। पर जॉय स्कूल जिसके 2200 एडमिशन्स है उन्होंने अपनी ट्यूशन फीस में बढ़ाया है और इसके साथ साथ 3200 रुपये एग्जामिनेशन फीस और एनुअल टर्म फीस के नाम पे विद्यार्थियों से वसूले जा रहे हैं जो कि सरकार के आदेश की अवहेलना है, जिसको लेकर आज हम डायरेक्टर को अपना ज्ञापन सौंपने आए थे लेकिन छात्रों के आक्रोश के भय से डायरेक्टर यहाँ से गायब हो गए हैं और पुलिस प्रशासन यहाँ पर बाधा बन के खड़ा हुआ है। पर हम जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी, जब तक हमारी कार्रवाई निश्चित नहीं होगी, जब तक छात्र आज यहाँ से नहीं हिलेंगे। अभिषेक पांडे, अध्यक्ष एमपी स्टूडेंट यूनियन। पहले यहाँ पे लगभग 2550 नाइन्थ क्लास के स्टूडेंट से ली जा रही थी जिसको बढ़ा के अब 2800 रुपये प्रतिमा कर दिया गया है। इसके साथ साथ फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास के बच्चों से 3300 रुपये फीस लेनी जानी चाहिए थी जिसको 600 रुपये बढ़ा के 3900 प्रतिमा कर दिया गया है जो कि शासन के आदेश की अवहेलना है। तो हमारा कहना है कि कानूनी रूप से भी इस स्कूल के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। छात्रों का पैसे का जो दुरुपयोग किया गया है, इस कठिन परिस्थिति में जो उनके अभिभावकों से पैसा लिया गया है उसको या तो आगे एडजस्ट किया जाए और आगे जो पैसा इनको लेना है उसको कैंसिल किया जाए। अरे एमपीएसयू जिंदाबाद, एमपीएसयू जिंदाबाद, लेस मैनन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आज एमपी स्टूडेंट यूनियन की तरफ से जिला जबलपुर की तरफ से इन्होंने जॉय स्कूल के संबंध में कुछ अपनी फीस को लेकर मांग रखी हुई है। इसके संबंध में इन्होंने ज्ञापन दिया है। वो जो इस स्कूल के संचालक प्रिंसिपल महोदय हैं, संचालक चूंकि बीमार थे इसलिए प्रिंसिपल महोदय के द्वारा इनकी जो मांगें वो ली गई हैं। प्रशासन के भी संज्ञान में आया है जो भी इनकी मांगे हैं, तो इनके साथ एक बैठ के इनका सारी चीज़ों को देखते हुए जो भी उचित नियमानुसार होगा वो कार्रवाई शीघ्र कर। क्या मांगे रखी इन्होंने फीस को लेके मांग की है कि जो शासन के सर्कुलर हैं उससे ज़्यादा फीस ली जा रही है। तो वो रिकॉर्ड को देख के सारी चीज़ दस्तावेज देख के क्या हुआ, कितनी तारीख से कौन सा सर्कुलर आया, इन्होंने कितनी फीस ली, वो दस्तावेज को देख के ही उस चीज़ का कोई निर्णय या जाँच की जा सकती है। बोला है उनके प्रिंसिपल को कि आप अपनी जाँच करें, जब से जो सर्कुलर आए हैं कितनी फीस लेने का, जो भी विधि संगत होगा उसको शीघ्र करवा दिया जाएगा। कितनी फीस एक्स्ट्रा? अब फीस के संबंध में बिना रिकॉर्ड देखे कुछ नहीं बोला जा सकता है। जब तक उनका रिकॉर्ड नहीं देखेंगे कि कितना कौन सी क्लास का, हर क्लास का कितना क्या फीस का उनका टेन्योर है, कितना उनका लगता है, कितना इन्होंने लिया है और कितना शासन ने निर्धारित किया, बिना देखे नहीं लगा बताया जा सकता। तो उनको निर्देशित किया है और जो भी प्रशासन की तरफ से होगा शीघ्र अतिशीघ्र उसमें वैधानिक कार्रवाई करनी चाहिए। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए जबलपुर से आशीष वात्रे की रिपोर्ट।